फ्रेंड्स, जिस सिंथ म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर के गिटार बिगिनर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो फिंगर प्रैक्टिस लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये चार फिंगर हैं, 1 2 3 4, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, पिंकी। यहाँ पर फ्रेट बोर्ड है। ये फ्रेट बोर्ड में फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, ये फ्रेट मार्कर्स हैं। ये फ्रेट मार्कर्स थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड ट्वेल्थ पे होता है। अब हमको फिंगर्स यहाँ पर प्लेस करनी है, तो हमारा फिंगर का प्लेसिंग जो होगा वो जस्ट बिहाइंड द फ्रेट होगा, इस तरह से। इसके बाद में हम इसको इस तरह प्ले करेंगे, तो हमारा साउंड इस तरह से आएगा। सेकेंड फिंगर इस तरह से। यदि हम फिंगर को ये फ्रेट के ऊपर रखते हैं और प्ले करते हैं तो साउंड इस तरह से आएगा, जो कि इम्प्रॉपर साउंड है। हमें प्रॉपर साउंड लेने के लिए फिंगर को फ्रेट के पीछे रखना होगा, इस तरह से। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहला लेसन, जिसमें एक फिंगर, पहली फिंगर पहले स्ट्रिंग पर, पहले फ्रेट पर, इसको हम चार बार बजाएंगे, 1 2 3 4। सेकेंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग पर, सेकेंड फ्रेट, 2 3 4। थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट पर, फर्स्ट स्ट्रिंग पर, पिंकी, फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट पर। इस तरह से हम हर फ्रेट पर चार चार नोट बजाएंगे। देन सेकंड स्ट्रिंग पर भी इसी तरह करेंगे। उसके बाद में सेकंड जो लेसन है फिंगर का, वो इस तरह से होगा, दो दो बार बजाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह से हर स्ट्रिंग पर हम लेसन बजाएंगे। उसके बाद में हम वन टाइम 1 2 3 4, इस तरह से बजाएंगे। ये हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बाद में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बजाएंगे, 2 3 4, देन 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4, 4 3। जब हमारा ये प्ले करना हो जाएगा, उसके बाद हम फिंगर को स्किप करके आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से, देखिए आप, 1 2 3 4, वन फिंगर उठा के यहाँ सेकेंड फ्रेट पर रखेंगे, देन फिर इसी तरह से सेकेंड स्ट्रिंग पर भी करेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम सब स्ट्रिंग पर प्रैक्टिस करेंगे, पहले असेंडिंग देन डिसेंडिंग, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। डिसेंडिंग इस तरह से होगा, ये हमारा पहला लेसन। अब इस सेकेंड लेसन मैंने जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो है 1 2 1 2 3 2 3 2। ये फिंगर के नंबर है, 1 2 1 2 3 2 3 2। देखिए, 1 2 1 2 3 2 3 2, उसके बाद में है 2 3 2 3 4 3 4 3। तो ये लेसन इस तरह से बजेगा,
जब हमारा लेसन एक जगह पर पूरा तैयार हो जाएगा तो हम फिर उसको फिंगर स्लाइड करके आगे के फ्रेट्स पर इस तरह से बजाएंगे। उसके बाद में जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा तब ट्वेल्थ फ्रेट से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बजाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का होगा फिंगर 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2। इस तरह से, इस तरह। उसके बाद में इस लेसन्स को भी फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग तक हम प्ले करेंगे। उसका नेक्स्ट लेसन है 1 2 1 3 2 3 2 4। इस लेसन को हम किस ढंग से बजाएंगे फिंगर का, 1 2 1 3 2 3 2 4। अगेन 1 2 1 3 2 3 2 4 1 2 1 3 2 4 1 2 1 3 2 3 2 4। जब हमारा ये तैयार हो जाएगा इस फ्रेट पर तो हम इसे आगे की ओर लेके जाएंगे इस तरह। देन उसके बाद में और ये लेसन इस तरह से बजेगा। और ये लेसन आगे के फ्रेट तक बजता जाएगा। जब हमारा ये असेंडिंग तैयार हो जाएगा तो इसी लेसन को हम डिसेंडिंग में इस ढंग से बजाएंगे 4 3 4 2 3 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 1 4 3 4 2 3 2 3 1। और इधर पहले फ्रेट तक इस तरह से इस लेसन को भी 1 2 3 स्ट्रिंग पर हम बजाएंगे। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेसन बजाऊंगा। नेक्स्ट लेसन मैं आपको बताऊंगा वो होगा सारे स्ट्रिंग 6 स्ट्रिंग पर, पूरे स्ट्रिंग पर हम किस ढंग से 3 फिंगर अप्लाई करके बजाएंगे। तो वो लेसन होगा हमारा इस तरह से, पिक को हम डाउन डाउन अप 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 डाउन अप। पिक इस तरह से चलाएंगे और फिंगर ऐसे चलाएंगे, डाउन अप 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 डाउन अप। देखिए लेसन को कैसे बजाएंगे हम। उसके बाद में इसे उल्टा बजाएंगे फिर से। अब इस लेसन को हम आगे की तरफ किस ढंग से ले जाएंगे वो देखिए आप। और इस तरह से इनको 12th फ्रेट तक इस लेसन्स को हम बजाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेसन है डायगोनली हमें बजाना है 1 2 3 4। देन सेकंड स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट से बजाएंगे।
थर्ड फ्रेट पे बजाएंगे नेक्स्ट, इस तरह से डायगोनली हम चार इस तरह बजाएंगे। फिर से एक बार देखिए, यहां से उसके नीचे से और ये इस तरफ आएगा। इस तरह से हम फिंगर्स की प्रैक्टिस करके फिंगर्स और स्ट्रिंग, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कोऑर्डिनेट करके हमारी अपनी स्पीड ला सकते हैं और आगे के लेसन्स बजा करके अपने इम्प्रूव कर सकते हैं गिटार को। तो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं इसके बाद में अगले लेसन्स के लिए फिर से। तब तक आप स्ट्रिंग प्रैक्टिस और फिंगर की प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए बाय।